देखिए, अगर हम इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करते हैं तो गेट के अंदर आप मान के चलिए इससे आएगा आपको 12 to 14 मार्क्स का। हाँ ट्वेल्व टू 14 मार्क्स का। और गेट के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा जी? इंजीनियरिंग मैथ्स ही रहेगा। आसानी से आप जो है इसमें से 10 से 12 नंबर जो है आसानी से लेकर आ सकते हो। अगर 14 मार्क्स का आ रहा है तो 12, अगर 12 मार्क्स का आ रहा है तो 10। इतने आप आसानी से इससे जो है मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी इसका सिलेबस क्या रहेगा, नंबर ऑफ आवर्स कैसे रहेगा। ठीक, बिल्कुल हितेश जी, जब भी आपको कोई डाउट आएगा आप कमेंट कर सकते हो। हितेश जी, जब भी आपको कोई डाउट आएगा आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। जैसे अभी आपका डाउट आया कि सर यहाँ पे हम वी कांट एबल टू स्पीक इफ वी हैव एन डाउट, तो आपको जो है सिर्फ वो टाइप करना है, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा। ठीक है हितेश जी, क्लियर हुआ पॉइंट? जब भी आपको कोई डाउट आएगा आप कमेंट कर देना, सारे के सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 नंबर आप इजिली उसमें से लेकर आ सकते हो। तो अब हम क्या देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस क्या है और गेट के अंदर जो है कि टॉपिक से कितना पूछा जाता है। क्लियर है? तो अगर मैं इंजीनियरिंग मैथ्स के सिलेबस की बात कर लेता हूं तो इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा जी सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद आ जाएगा जी कैलकुलस, उसके बाद आ जाएगा जी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आ जाएगा जी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसके बाद आ जाएगा जी प्रोबेबिलिटी, फिर आ जाएगा जी न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा जी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये रहेगा जी आपका गेट के अंदर मैथ्स का सिलेबस। आप कोई भी और सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप कोई भी और टेक्निकल सब्जेक्ट उठा लीजिए, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की इतनी वेटेज नहीं होगी। इन केस उसकी इतनी वेटेज होगी भी तो उसमें इतना कम सिलेबस नहीं होगा। तो गेट के अंदर जिसका भी रैंक अच्छा आएगा आप मान के चलिए कि इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर उसके जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगे। क्योंकि अगर मैं गेट की कट ऑफ की बात करता हूँ 30-35 मार्क्स, 30-35 मार्क्स, तो 35 में से अगर 10 से 12 नंबर आप इसी में से ही लेकर आ रहे हो तो आप मान के चलिए कि गेट में आपका अच्छा रैंक आएगा ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के अंदर हम किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए आज आपका फर्स्ट डे होगा तो मे बी आपको कुछ को यूज करना नहीं आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, आपको अभी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, जैसे ही क्लासरूम में आप पढ़ते हो वैसे ही यहाँ आप पढ़ोगे। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ वहां पे आप 10 लोग इकट्ठे बैठते हो, ग्रुप में बैठते हो, यहाँ सारे लोग अपने अपने घर पे बैठ गए आप जो है इस लेक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है, आपको जो भी कमेंट आएगा तो आपके ऐप के नीचे जहां पे आपका लेक्चर चल रहा होगा वहां कमेंट की एक ऑप्शन आ जाएगी। तो जैसे ही आप कमेंट करोगे आपका कमेंट मुझे शो हो जाएगा, तो मैं आपका जो भी डाउट होगा वो सारा का सारा डाउट मैं जो है आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हुआ करेगा, लेक्चर के नीचे आपको एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, तो उस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको जो है क्यूज की ऑप्शन होगी। तो जो भी हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा होगा, आपको कितना समझ में आया नहीं, तो वो आप क्यूज दोगे तो उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। उस क्यूज के अंदर सारा का सारा, आप जैसे ही आपका क्यूज खत्म होगा उसके बाद एक चार्ट बनकर आ जाएगा कि अभी तक कितने स्टूडेंट ने इस क्यूज को दिया है, किसका कौन सा रैंक है और आपका कौन सा रैंक आ रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें जो उसके अंदर आ जाएगी। तो ये आप बोलोगे सर इससे करने से क्या होगा, ये जो सारे पैरामीटर आप बता रहे हो इससे करने से क्या होगा, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए जो गेट एग्जाम है वो आपका एक ऑनलाइन एग्जाम है ना कि ऑफलाइन एग्जाम है। गेट एग्जाम एक आपका ऑनलाइन एग्जाम है ना कि ऑफलाइन एग्जाम है। वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है जो कि गेट के अंदर आपको दिया जाता है, जो कि आपके पीसी के अंदर पहले से ही आपके ऐप के अंदर होगा, दैट इज अ वर्चुअल कैलकुलेटर। तो जो आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो और जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आप सिंपल कैलकुलेटर में sin 30 लिखते हो आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर के अंदर आप लिखोगे sin 30 आपको एरर आ जाएगा, तो 30 के बाद आपको साइन करना पड़ेगा तब जाके वैल्यूज आएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑनलाइन आप जितने एग्जाम दोगे, जितनी टेस्ट सीरीज दोगे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा जी
आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। साथ साथ में आपको करवा रहा हूँ, कुछ आपको डाउट आ जाता है तो आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनीश जी का डाउट है कि क्या सर हमें जो है, देखिए ये जो लाइव लेक्चर होता है, पहले मैं आपको लाइव लेक्चर का एक बार मतलब बता देता हूँ, है ना, क्योंकि एक बार यार आपको अगर सारे मतलब क्लियर हो गए ना तो हमारा सिर्फ एक ही काम रहेगा, वो है कि हमने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लाइव लेक्चर का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी क्लास की टाइमिंग होती है 2 बजे की, मान लेते हैं आपकी क्लास की टाइमिंग होती है 2 बजे की, तो 2 बजे मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा। लेकिन अब मान लेता हूँ कुछ ऐसी चीज होगी, आपके घर में कोई दिक्कत आ जाती है, आपको हेल्थ इश्यू आ जाता है और आप 2 बजे का लेक्चर नहीं देख पाए, तो आपके पास ये सेम टू सेम लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा आपके ऐप के ऊपर, आपका यूजर नेम और आईडी बनेगी, अभी भी आपके पास हो गया अगर आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास वो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाएंगे। तो उस लेक्चर को आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखोगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे और कई हमारे पास पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप अपने जो है डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। तो ये लाइव लेक्चर भी आपको मिलेगा और आपके पास जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेगा। डिफरेंस आता क्या है, देखिए मैं आप बोलते हो सर मुझे तो ना ऑफलाइन कोचिंग ही करनी है, ऑफलाइन कोचिंग जो सही होती है, बिल्कुल सही होती है, दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड, वो सही होती है। लेकिन दोनों के अंदर आप डिफरेंस समझिए, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जो पढ़ा रहा है ना आपको उसी टाइम ही पूरा का पूरा दिमाग के अंदर डालना है, बाद के अंदर अगर डाउट होता है ना आप उस लेक्चर को देख नहीं सकते हो। ऑनलाइन के अंदर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आपको 80% लेक्चर समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो डाउट को तो मुझे जो मिनिमम करना पड़ेगा, तो आप क्या देखोगे कि यार मुझे ये पॉइंट तो समझ में आ गया, मैं ये पॉइंट भूल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे यार, रात को 12-1 बजे जब आपका मन किएगा लेक्चर खोलोगे, वीडियो आप ओपन करोगे, वहां से जहां पर आपको डाउट है उसको देखोगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन हुई है वह सिर्फ किस लिए हुई है कि आपका जो है टाइम सेव हो जाए और आपको जो नंबर ऑफ ऑप्शन मिले वो पहले से क्या मिले जी, ज्यादा मिले। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये बात अगर क्लियर हो गई है तो जी यस लिखकर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जितना आपके कमेंट आएंगे ना उतना ही सेशन जो है इंटरेक्टिव रहेगा और उतना ही चीजों को हम ढंग से क्लियर कर पाएंगे। तो आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके डाल दीजिए यस अगर आपको चीजें क्लियर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल जी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी रहेगी अनिश जी, लाइव भी रहेगा रिकॉर्डिंग भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये रहेगा जी गेट का सिलेबस रहेगा, एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम आती है कैसे आती है वो सारा का सारा मैं आपको करवाऊंगा। और आपको दूसरा डाउट स्टूडेंट को क्या आता है, सर मटेरियल क्या दोगे, सर पढ़ने के लिए मटेरियल क्या दोगे। पहला मटेरियल तो जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो आपको मिलेगा जी पूरा का पूरा जो हमारे पास ये है वो आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेगा, जो भी हमारे पास वर्कशीट रहेगी हमारी वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेगा। दूसरा आपके पास क्या मिलेगा जी, हर लेक्चर के बाद आपके पास क्या होगा जी, क्यूज होगा। क्यूज के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो हमने उस लेक्चर के अंदर पढ़ा आपने उससे क्या क्या सीखा, आपको लेक्चर के बाद ही कितने डाउट रहे या कितने क्लियर हुए तो उस क्यूज के थ्रू आपको जो है पता चलता रहेगा। इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर हम ट्राई करेंगे जी 700 to 800 प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ठीक है। कहीं पर भी आप देख लीजिए इतनी प्रॉब्लम आपको कहीं पर भी इंजीनियरिंग मैथ्स की सॉल्व नहीं करवाई जाएगी, क्यों, क्योंकि मैथ्स का मतलब ही प्रैक्टिस है। जितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर उतना ही सही रहेगा कि आपका उतना ही अच्छा रैंक आएगा। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, अब आपको आता है कि सर देखो यार हो सकता है आप में से किसी का मैथ्स अच्छा हो सकता है किसी को मैथ्स अच्छे से ना आता हो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर दोनों में दिक्कतें आती हैं कि जो सामने वाला है वो किस लेवल से स्टार्ट करें। तो अभी मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूं, मैं बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट करूंगा, मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, आपको पता हो तब भी अच्छा है। लेकिन हमेशा नोट करना, आप पढ़ के भी आ जाइए उसके बाद आप लेक्चर को सुनिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई भी जब मैं आप यूनिट स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहला मेरा फोकस किस पे रहेगा जी, बेस के ऊपर। तो सबसे ज्यादा टाइम हम बेसिक क्लियर करने में लगाएंगे, एक बार बेसिक अगर ढंग से क्लियर हो जाता है तो हम इजिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं, दूसरा मैं कहीं पर भी ये नहीं मान के चल रहा हूं कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स पढ़ा है, मैं अभी तक यही मान के चल रहा हूं कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स को नहीं पढ़ा है,
आया समझ में नहीं आया, अगर आप में डाउट होगा सर ये करवाओगे या वो करवाओगे, भाई मैं सिर्फ यही मान के चल रहा हूँ कि आपने इंजीनियरिंग के अंदर मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, उस लेवल से हम जो है इन चीजों को लेकर चलेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए लीनियर अलजेब्रा और ट्राई कीजिए साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, आपकी वैसे अपनी मर्जी, आपने बाद में बनाने हैं बाद में बनाते रहिए, लेकिन मैं साथ में नोट बनाने के लिए आपको किस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा क्लास के अंदर ही, मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दूंगा तो यार आपको पता तो होना चाहिए ना किसके बाद क्या दिया है किसके बाद क्या आएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक कौन सा चल रहा है और सर ने ये प्रॉब्लम हमें करने के लिए क्यों दी है। ठीक है, किसी को डाउट कि मुझे कमेंट कैसे करना है, मुझे डाउट हुआ तो डाउट कैसे पूछना है, आई होप किसी को अभी डाउट नहीं रहा होगा, आई होप किसी को अभी डाउट नहीं रहा होगा। तो सबसे पहली जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द लीनियर अलजेब्रा, दैट इज द लीनियर अलजेब्रा। फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, क्या स्टार्ट करेंगे जी लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं देखिए, वी स्टडी द लीनियर अलजेब्रा, हम लीनियर अलजेब्रा को पढ़ते हैं ओनली टू सॉल्व द लाइन इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा हम किस लिए पढ़ते हैं, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और द लाइन इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर लीनियर इक्वेशन और लाइन इक्वेशन होता क्या है, इसे समझ लीजिए। देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं कोई भी मेरे पास अगर इक्वेशन है उसके अंदर अगर जो मैक्सिमम पावर है, कोई भी अगर इक्वेशन है उसके अंदर अगर मैक्सिमम पावर आपकी जीरो या वन हो, जीरो हो या वन हो, तो उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ लाइन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं जी, लाइन इक्वेशन बोल देते हैं और लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, जहां पर आपके पास पावर क्या हो जी, जीरो हो वन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 1x+0y इज इक्वल टू टू, 1x+0y इज इक्वल टू, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, एक मैंने क्या लिख दीजिए इक्वेशन लिख दीजिए आपके पास 1x+0y इज इक्वल टू टू। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, ये जो पूरी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये जो पूरी मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन, ये जो पूरी मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं क्या बोल देता हूं जी, इसको मैं बोल देता हूं जी इक्वेशन, और ये जो टू आ रहा है टू को मैं बोल देता हूं जी इसका रिजल्ट। ठीक है, टू को मैं क्या बोल देता हूं जी, इसका रिजल्ट बोल देता हूं। यहां पे दूसरी बात समझिए, ये वाला जो इतनी टर्म रहेगी ये वाला, इसको मैं बोल देता हूं जी एक्सप्रेशन, इसको मैं क्या बोल देता हूं जी एक्सप्रेशन बोल देता हूं, 1x+0y को मैं क्या बोल दूंगा जी एक्सप्रेशन बोल दूंगा, और यहां पे जो आपके पास वन होगा मतलब कि वन होगा या जीरो होगा ये आपके पास क्या कहलाएंगे जी, कोफिशियंट कहलाएंगे, ये आपके पास क्या कहलाएंगे जी, कोफिशियंट कहलाएंगे। और जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स, जो आपके पास आ जाएगा जी एक्स या वाई, तो इसको आप क्या बोल दोगे जी, वेरिएबल बोल दोगे। समझ में आया नहीं आया, तो कहीं पर अगर मैं वेरिएबल यूज करूंगा कोफिशियंट यूज करूंगा तो यार आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर ये क्या है ऐसा क्यों यूज किया, तो समझ में आया नहीं आया, अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, अगर डाउट है तो डाउट लिख दीजिए, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, कुछ भी लिख दीजिए आप यार, मैंने आर्बिट्री उठाया है ये, एक मैंने इक्वेशन लिखी इसमें इनका मतलब क्या रहेगा, ये इसका कहीं ना कहीं इसको सोल्व करने के बाद ये आया होगा, है ना, क्योंकि मैथ्स के अंदर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इसको सोल्व करने के बाद कहीं ना कहीं ये वैल्यू आनी चाहिए। आया समझ में नहीं आया, तो दूसरा यहाँ पे देखिए जी, इसको मैं बोलता हूँ एक्सप्रेशन बोलता हूँ, इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको रिजल्ट बोल देता हूँ, ये आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे और ये आपके पास क्या आ जाएंगे जी, कोफिशियंट आ जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी शिवा कुमार जी, बिल्कुल जी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई नहीं है शिवा कुमार जी समझ लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, लीनियर अलजेब्रा हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ते हैं टू सॉल्व द लाइन इक्वेशन और द लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व द लाइन इक्वेशन और द लीनियर इक्वेशन।
इस केस में जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी रहती है? जीरो रहती है या तो वन रहती है। जीरो होगी या क्या होगा? वन होगा, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ? लाइन इक्वेशन और द लीनियर इक्वेशन। इसकी मैंने एग्जाम्पल क्या ली, मैंने अगर लिखता हूँ 1x+0y इज इक्वल टू 2, तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, किस फॉर्म में है ये आपकी जी? लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ किसके अंदर? लीनियर एलजेब्रा के अंदर सोल्व कर सकता हूँ। आया समझ में या नहीं आया? तो मैंने बोला जो 1x+0y इज इक्वल टू 2 है, तो ये कहलाता है पूरा का पूरा इक्वेशन, ये कहलाती है पूरी की पूरी इक्वेशन। लेकिन जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं बोलता हूँ एक्सप्रेशन, जो राइट हैंड साइड है उसको मैं बोल देता हूँ रिजल्ट। यहाँ पे जो वन है वो कॉफिशियंट है और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी, ये चल रही थी बात। अब आते हैं कि सर लीनियर एलजेब्रा ना किसने बनाया और हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, ये बात है 1857 की। अगर मैं बात करता हूं 1857 के अंदर, 1857 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैले, और आपने कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कैले हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़ी होगी। आपने इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कैले हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़ी होगी, लेकिन अभी हमने उस थ्योरम को नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ उस साइंटिस्ट को याद कर लीजिए। देखिए 1857 हमें किस लिए याद रहता है? हम लोग उस टाइम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि देश को आजाद करवाना है, और कैले बैठ के हुए क्या सोच रहा था कि मैं जो है लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब 1857 में इंडिया आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो कैले क्या सोच रहा था कि भाई मैं लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूं? तो उसने बोला मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करूंगा, मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करूंगा। तो कैले ने क्या बोला? मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करूंगा। सचिन कुमार जी, हमने लीनियर एलजेब्रा स्टार्ट किया है। सचिन कुमार, हमने लीनियर एलजेब्रा स्टार्ट किया है। तो कैले ने क्या बोला कि मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसका यूज करूंगा जी? मैट्रिक्स का यूज करूंगा। तो वहीं से हमारे पास आता है कि यार मैट्रिक्स का मतलब होगा क्या, मैट्रिक्स का मतलब होगा क्या। आप साथ साथ में नोट करते रहिए, ठीक है? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इसे नोट कर लीजिए, जितना लिखा है जी इसे नोट कर लीजिए। जितना लिखा है जी इसे नोट कर लीजिए। लिखिए जी मैट्रिक्स क्या होता है, हेडिंग डालिए जी। समझ लेना जी अब ध्यान से। अब आता है जी सबसे पहला कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब होगा क्या। जब भी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली द कलेक्शन ऑफ अ नंबर। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ फिक्स रो एज वेल एज फिक्स कॉलम मैनर, एज वेल एज फिक्स कॉलम मैनर। तो इसने क्या बोला जी? मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ अ नंबर है, जिसे कि हम क्या लिखते हैं जी, एक तरीके से लिख देते हैं। मतलब कि क्या यार, हम ना बोल देते हैं ये सोसाइटी है, इसमें अलग अलग घर है। तो हम क्या करते हैं, उस अलग अलग घर को, ये सोसाइटी है उसमें हम ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, है ना, बाउंड्री के अंदर रख देते हैं। सेम उसी तरह आपके पास मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर, जिसे कि हम क्या लिखते हैं, फिक्स रो और फिक्स कॉलम के मैनर में लिख देते हैं, है ना। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, हम सारा पढ़ेंगे, अभी तक उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए, लेकिन हम मैट्रिक्स का मतलब समझिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ फिक्स रो एज वेल एज अ फिक्स कॉलम मैनर। इतना समझ में आया, ठीक है। दूसरा दूसरा हम क्या बोलते हैं जी, दूसरा हम इसे किस तरह से लिख लेते हैं जी? इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर, और मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको इस तरह की डेफिनेशन देखने को मिलेगी, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एरे को पढ़ते हुए हम भूल जाते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा मैट्रिक्स का। तो यार बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन। एरे का मतलब ही क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ
नंबर तो ये मतलब क्या हुआ ना, इट इज अ रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ अ नंबर। बाद में हमने देखा कि ये आपके पास जो है स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बनी, इसकी एक डेफिनेशन बनी। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आया। और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एलिमेंट और अ नंबर कैन बी रियल और एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ अ नंबर, मतलब कि इस मैट्रिक्स में जो आप जो नंबर लिखोगे, द एलिमेंट ऑफ अ नंबर कैन बी रियल, कैन बी रियल और इमेजिनरी, कैन बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर हम जो नंबर लिखेंगे वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर हम जो नंबर लिखेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो हम नंबर लिखेंगे वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, अभी नोट मत करना, एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ नंबर की, वी सिंपली डिवाइडेड द नंबर इंटू द थ्री पार्ट। हाँ, नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को मैं बोलता हूँ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, जो एक्चुअल के अंदर है। रियल नंबर क्या है, जो नंबर एक्चुअल के अंदर है। और दूसरा मेरे पास होते हैं जी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मेरे पास कौन से नंबर है जिनको मैं क्या कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ क्या ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो वो क्या है, मेरी इमेजिनेशन के अंदर है, लेकिन वो मेरे पास एक्चुअल के अंदर नहीं है। जब मैं रियल प्लस इमेजिनरी को ऐड कर देता हूँ, जब मैं रियल प्लस इमेजिनरी को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक नया नंबर बनता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देता हूँ। तो जी यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब और करके आप उसे कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो। क्यों, कॉम्प्लेक्स मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि यार वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी से बताइए। नंबर को मैंने 3 तरह से डिफाइन किया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल प्लस इमेजिनरी, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं इसे भी समझ लीजिए। देखिए, रियल नंबर आर दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन, नंबर दो विच आर एक्सप्रेस ऑन अ नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकता हूँ ना, उन नंबर्स को मैं बोलता हूँ रियल नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ √2 क्या है, √2 रियल है या इमेजिनरी है, √2 रियल है इमेजिनरी है, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं सिंपल √2 लिखता हूँ, तो √2 जो है वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, √2 जो है वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, जल्दी बताइए। √2 जो है वो रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और आपने आज तक ये तो सुना होगा कि √2 जो है वो एक रियल नंबर है। हार्दिक जी, हितेश, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट के जो आंसर आया है वो आपके पास क्या आया जी, रियल नंबर। मैक्सिमम के जो आंसर आए हैं वो क्या आया जी, आपके पास रियल नंबर आंसर आया है, जो कि बिल्कुल सही है। √2 जो है वो आपके पास क्या, एक रियल नंबर है। √2 क्या है, आपके पास एक रियल नंबर है। लेकिन क्या किसी को पता है, नंबर लाइन के अंदर ऊपर अगर मुझे √2 को डिफाइन करना है या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करते हम, समझ लीजिए इसे भी। देखिए, ये मैं नंबर लाइन को कंसीडर करता हूं, तो यहां पे मैं 0 कंसीडर करता हूं, यहां पे -1 -2 -3 कुछ ऐसा रहता है, -1 -2 -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपको 1/2 लिखना है, मतलब 0.5 लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसके सेंटर में 1/2 आ जाएगा, है ना। अगर आपको क्या करना है, 2/3 फाइंड आउट करना है, तो मतलब कि क्या है होगा, तो आपके पास आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको √2 फाइंड आउट करना है, तो हम करते कैसे हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेना। उसके बाद √3 √4 क्या होगा, √4 तो चलो 2 होता है, वो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद किसी भी रूट की क्या वैल्यू होगी, आप आज के बाद, नहीं जी बिल्कुल गलत है जी, ये जो है वो रियल नंबर होगा, √2 इज अ रियल नंबर। √2 क्या है जी, रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा √2 को फाइंड आउट करते कैसे। सबसे पहले क्या लीजिए, यहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, 0 से 1 जो डिस्टेंस है उसे हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, और एक डिस्टेंस ही आप वर्टिकल मान लीजिए। एक डिस्टेंस आपने हॉरिजॉन्टल मान लिया, एक आपने क्या मान लिया जी, वर्टिकल मान लिया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों एंड को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों एंड को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे देखिए, अगर आपने लिख रहे हो या √2 इमेजिनरी है, पूछ रहे हो या बता रहे हो,
रूट टू जो है इमेजिनरी आप पूछ रहे हो बता रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है रूट टू क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। मैं आपको उसका प्रूफ भी दे रहा हूँ कि रूट टू जो है वो रियल नंबर क्यों होगा। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, आप बोलोगे सर रूट टू आ गया। इसका रिजल्ट कितना आएगा जी, रूट टू आपने लिखा यहाँ पे, रूट टू इसका क्या है रिजल्ट आया। अब आप क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक एक प्रकार को खोलोगे और यहाँ पे आर्क लगा दोगे, यहाँ पे प्रकार को खोलोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे जी, एक आर्क लगा दोगे। इस जीरो से जो इस आर्क तक का डिस्टेंस होगा दैट इज अ रूट टू। बताओ यार समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए जी आपको समझ में आया या नहीं आया। आज तक सिर्फ आपने यही पढ़ा होगा कि रूट टू इज अ रियल नंबर, कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि रूट टू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए रूट टू को कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आया नहीं आया। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्केल से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो रूट टू इज द रियल नंबर नॉट द इमेजिनरी नंबर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैथ्स को हम पूरा का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो उसने क्या बोला है कि ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, सेन गुप्ता जी समझ में आया, सेन गुप्ता समझ में आया। ठीक है, इस नोट कर लीजिए इसे पूरा। तो रूट टू इज अ रियल नंबर, रूट टू इज अ रियल नंबर, सेन गुप्ता जी समझ में आया या नहीं आया। तो बच्चे अगर आपने किसी बुक में पढ़ा है कि रूट टू इमेजिनरी नंबर है, या तो आप बुक चेंज कर लीजिए या तो आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि रूट टू इज अ रियल नंबर, रूट टू इज अ रियल नंबर, रूट टू इज अ रियल नंबर। बिल्कुल मोनी कुमार जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या शुरू किया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिंपली द कलेक्शन ऑफ अ नंबर। मैंने आपको बोला कि आप कौन से सेक्टर में रहते हो, आपने बोला सर जी मैं 22 सेक्टर में रहता हूँ। मैंने बोला हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मुझे बता दोगे एड्रेस, और वो ढूंढता ढूंढता मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। इसी तरह जब आप नंबर को एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हो तो वहां पर भी मुझे उस नंबर तक पहुंचने के लिए कोई कंडीशन का यूज करना पड़ता है। तो वो कंडीशन मैं मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस करूंगा, वो कंडीशन मैं मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस करूंगा, और मैट्रिक्स के अंदर हम कंडीशन को स्टडी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर इन अ फिक्स रो एज वेल एज अ फिक्स कॉलम। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स की कलेक्शन है। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नंबर की कलेक्शन है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर। एरे का मतलब ही कलेक्शन ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट क्या बोलता है, द एलिमेंट ऑफ अ नंबर कैन बी रियल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। द एलिमेंट ऑफ अ नंबर कैन बी रियल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। इसने क्या बोला है भाई, मैट्रिक्स के अंदर हम जो भी नंबर लिखेंगे ना यहाँ पे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, रियल का मतलब लिख दिया, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इमेजिनेशन में है। इमेजिनेशन में क्या है, कोई इमेजिनेशन नंबर, आप बोलोगे सर आयोटा। ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास जी, इमेजिनरी नंबर है। इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, मेरे पास क्या आ जाता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। सेन गुप्ता जी बिल्कुल सही है, आज आपका ना फर्स्ट डे है, तो आप ना मेरे ख्याल से जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर वो भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आप भूल भी गए हो तो अगर आप फिर से ना भूले, अब मुझे ना एक सिंपल बताना, आप क्यों भूल गए कि रूट टू रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रूफ नहीं देखा था, उसने आपने उसका प्रूफ नहीं देखा था कि रूट टू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। आज आपने सीख लिया कि नंबर लाइन पे रूट टू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अब से आप कभी नहीं बोलोगे कि रूट टू इज एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है, और आप एक बार भी जब टाइप करते हो ना, आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, आपका कमेंट आ जाता है। ठीक है, तो आप दो या तीन बार भी कमेंट मत कीजिए कि वो एक बार में टाइप करके वो यहां तक आ जाएगा। क्लियर है जी? तो रूट टू इज क्या आ जाएगा जी, रियल नंबर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला जी, रियल नंबर क्या होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब ध्यान से समझ लीजिए, मैंने क्या बोला कि मैंने जीरो से एक तक का डिस्टेंस था नंबर लाइन पे, और इतने ही डिस्टेंस मैंने ऊपर की ओर ले लिया। तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये ले लिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका जी, बेस का, प्लस क्या किसका होता है जी, परपेंडिकुलर का। तो वन का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बता दो यार, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो ये कितना आ गया जी, रूट टू। तो आपने बोला सर ये तो रूट टू आ गया। यहां से देखिए यहां तक आप प्रकार खोलिए, यहां पर आर्क लगा दीजिए, यहां पे आर्क लगाओगे तो कुछ इस तरह से लगेगी, जिस भी पॉइंट पे कट करेगा ना यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा जी, रूट टू होगा। ठीक है, समझ में आया?
अर्नब जी, एक और मैं पढ़ रहा हूँ, आपने जो कमेंट किया भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं, मोनी कुमार जी क्लियर हुआ रू टू का क्या मतलब है? मोनी कुमार क्लियर हुआ रू टू का क्या मतलब? हाँ जी अर्नब घोष जी, आपने क्या बोला है? अ सिस्टम ऑफ एम इंटू एन नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम। बिल्कुल सही है अर्नब जी, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे एम इंटू एन लिखते हो, अगर यहाँ पे आप एम इंटू एन लिखते हो, तो एम का मतलब नंबर ऑफ रोज रहता है और एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स रहता है। लेकिन मैं आपको ये करवाऊंगा यार सारा का सारा, ठीक है? लेकिन बिल्कुल सही, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। समझ में आया? जल्दी बताइए जी, समझ में आया या नहीं आया? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है जी, अब देख लेते हैं जी। अब कलेक्शन ऑफ नंबर को हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके अंदर कुछ एक नंबर्स को लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जी और उसके अंदर कुछ एक नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। समझ लीजिए, देखिए मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से समझना। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है जो कि किसकी इक्वल है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहां पे मैंने लिख दिया जी एम इन टू एन, यहां पे मैंने क्या लिख दिया जी एम इन टू एन। अब ध्यान से सुनना, इस मैट्रिक्स के अंदर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ये वाली और ये वाली, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, दीज आर नोन एज द रोज। ये आपके पास क्या बनेगी जी? रो बनेगी। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इतना समझ में आया? रो का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। रो का मतलब क्या होगा जी? हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया? रो का मतलब क्या होगा जी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब दूसरा, अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं इन लाइंस को, ए लाइन, बी लाइन और सी लाइन, इन लाइंस को मैं बोलूंगा जी कॉलम। इन लाइंस को मैं क्या बोल दूंगा जी? कॉलम। और ये जो कॉलम होगा, कॉलम इज नथिंग बट सिंपली द वर्टिकल लाइन। कॉलम इज नथिंग बट सिंपली द वर्टिकल लाइन। कॉलम कुछ भी नहीं है, वो क्या है? एक वर्टिकल लाइंस होंगी। आया समझ में या नहीं आया? और जो यहां पे मैंने लिखा ना एम इंटू एन, तो एम का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज। एम का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज। और एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम। लो जी बात खत्म। एम का मतलब मैंने बोला नंबर ऑफ रो, एन का मतलब बोला मैंने नंबर ऑफ कॉलम। तो बताओ एम इंटू एन क्या हो गया? एम इंटू एन आपको बताएगा जी साइज और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। साइज और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर आप ऐसा करो, जो आपने एम इंटू एन लिखा है ना, इसकी जगह आप 3 × 3 की भी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, तो मैट्रिक्स क्या आ गई? 3 × 3 की मैट्रिक्स। इतना समझ में आया? अब कोई आया और बोलता भाई मुझे ये बता, 8 की पोजीशन बता, मुझे बता 8 की पोजीशन क्या है। कोई आया और उसने पूछा कि भाई बताना 8 की पोजीशन क्या है, तो उसने बोला 8 की जब मैं पोजीशन डिफाइन करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? 8 की क्या है? 8 किस रो पे है? 8 जो है थर्ड रो पे है, थर्ड रो पे है। एंड कॉलम कौन सा है जी? सेकंड कॉलम है। बताओ यार 8 को मैं ऐसे लिखूंगा? 8 की अगर मुझे पोजीशन को लिखना है तो रो कौन सी है जी? तीसरी रो है। और कॉलम कौन सा है जी? आप बोलोगे जी कॉलम तो दूसरा है। समझ में आया? बंदा बोलता है यार इतने में से तो अगर ये मैट्रिक्स बढ़ती जाएगी आप क्या क्या लिखोगे। तो मैट्रिक्स को लिखने का एक शॉर्टकट निकाला गया, यहां से मैट्रिक्स को लिखने का एक शॉर्टकट निकाला गया। अब उसी शॉर्टकट को समझ लीजिए, अब उस शॉर्टकट को समझ लीजिए। इसने क्या बोला? लेट लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। मतलब समझ में आया? इसने इसको क्या मान लिया जी? ए मान लिया। इसने इसको क्या मान लिया जी? ए आई जे मान लिया, इंटू एम इंटू एन। यहां पे देखिए जी, आई का मतलब होगा रो,
जे का मतलब होगा कॉलम, एम का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज जो मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, और एन का मतलब क्या होगा जी, नंबर ऑफ कॉलम, आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, एम का मतलब नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखिए जी इस टर्म को मैं लिखूंगा कैसे। यहां पे जो मैं लिख रहा था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे इसने क्या बोला, ए आई जी का मतलब क्या है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, तो ये पहला रो है और पहले तो कॉलम है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं A11। ये कि देखिए जी पहली रो है, कॉलम कौन सा है, दूसरा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं A12, इसे A13, इसे A21, A22, A23, A31, A32, A33, लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे पूछा था बताओ जी 8 की पोजीशन क्या है, पहले तो आपने इतने बड़ा लिख दिया सर 8 की पोजीशन है तीसरी रो और सेकंड कॉलम, लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ 8 की पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर 8 की पोजीशन है A32, तो A32 से आप क्या समझे, तीसरी रो दूसरा कॉलम, यहां भी तो मैंने ये लिखा था। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते चले गए, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम इसलिए लिखते चले गए, बिल्कुल सही है जी। A32 क्या है भाई, A32 क्या है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, A32 है, बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे पोजीशन किसकी है जी, 8th की पोजीशन क्या है जी, 8th की पोजीशन क्या है जी आपकी, A32 है। बताइए जी, अगर क्लियर है तो क्लियर का कमेंट डाल दीजिए, अगर कोई डाउट है तो रिपीट लिख दीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप रिपीट लिख दीजिए, अदरवाइज इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज इसे नोट कर लीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और साथ में नोट भी करते रहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो जी कमेंट डाल दीजिए, क्लियर है, अगर डाउट आ रहा है तो वो भी लिख दीजिए। ठीक है जी, अब पता चल गया कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, हम A11, A12, A13 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप में से यहाँ पे बोलता है कि A32 का मतलब क्या है, तो A32 का मतलब मेरे पास क्या है कि आपके पास एक तीसरी रो है और कॉलम कौन सा है जी, दूसरा है। रो और कॉलम को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, जितनी भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जितनी भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो मेरे पास रो आ जाएगी, और जितनी भी मेरे पास वर्टिकल लाइन होगी वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी जी, उनको मैं क्या बोल दूंगा, कॉलम बोल दूंगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट, लिखिए जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, अब मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हम जो है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं क्या ज्यूम कर लेता हूं, लेट लेट ए इज इक्वल टू, मान लेता हूं ए क्या है, ए आई जे एम इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो आई मतलब क्या है रोज, जे मतलब क्या है कॉलम, एम मतलब नंबर ऑफ रोज, और एन मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर हुआ? एंड बी इज इक्वल टू, और जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, बी आई जे एन इंटू आर ऑर्डर की, ए क्या है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, और जो बी है वो क्या है बी आई जे एन इंटू आर ऑर्डर की। ठीक है, अब देखिए इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, मैट्रिक्स
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल ओनली व्हेन दिस कंडीशन, ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कब होगा? ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और कंडीशन है क्या? कंडीशन समझिए, ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा? ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास क्या होगा? जब आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम इन, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। समझिए इस बात को, इसने क्या बोला है? अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ रोज, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है। अब देखिए क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स कितना आ रहा है एन, और नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स कितना आ रहा है एन आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों जो आपके पास मैट्रिक्स है इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो भाई इस कंडीशन को आपने याद रखना है, इस कंडीशन को आपने याद रखना है, ए इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स होगा। इतना समझ में आ रहा है? इट मीन्स यहां पर जब मैं ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? सी मिलेगा, कोई थर्ड ही मिलेगा। ए और ए इंटू बी के बाद मुझे कोई है थर्ड मैट्रिक्स तो मिलेगी, उसको मैंने क्या बोल दिया जी? सी मैट्रिक्स बोल दिया। इट मीन्स अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स को आपने क्या लिखा है, ए आई जे, ऑर्डर क्या लिखा है, एम इन टू एन। बी मैट्रिक्स क्या लिखा है जी, बी आई जे, ऑर्डर क्या लिखा है, एन इन टू आर। तो जो आपके पास सी मैट्रिक्स होगी वो भी तो सी आई जे के फॉर्म में आएगी, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा, जो कॉमन होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा जी, एम इन टू आर। बताइए जी जल्दी, समझ में आया नहीं आया? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगी कैसे? ए आई जे एम इन टू एन, और बी आई जे एन इन टू एन, एन इन टू आर जो कॉमन है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी जी, सी आई जे एम इन टू आर। जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्लियर है पॉइंट या नहीं क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं इसका जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि गेट में किस लेवल की प्रॉब्लम पूछी जाती है, गेट में किस लेवल की प्रॉब्लम पूछी जाती है। पहले हम उसका लॉन्ग मेथड करेंगे, क्यों? क्योंकि लॉन्ग मेथड से ही हम उसका शॉर्टकट जो है ड्राइव करेंगे, लॉन्ग मेथड से हम उसका जो है शॉर्टकट ड्राइव करेंगे। तो गेट में आपके पास इतना टाइम होगा कि कहीं पर अगर शॉर्टकट से नहीं भी आ रहा है तो आप जो है लॉन्ग मेथड से अप्रोच करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? कर लिया नोट? ठीक है, अब आ जाते हैं जी, अब हम प्रॉब्लम्स करते हैं डायरेक्ट इसकी स्टार्ट। ये बेसिक हमें पता चल चुके हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे होंगी। आप आ जाते हैं जी इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जी, एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करूंगा, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप लोग ही सॉल्व करना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पहली प्रॉब्लम को खुद मत सॉल्व करने लग पड़ना, क्योंकि बाकी के सारे प्रॉब्लम आप लोग खुद ही सॉल्व करोगे। इसमें क्या बोला है इसने,
इसने बोला है, ठीक है, मुझे कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स रिक्वायर टू फाइंड ए बी, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए आपको कितनी बार नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब है नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख लीजिए या मल्टीप्लायर्स लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी, ए बी को फाइंड आउट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ी। तो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करनी है तो दो मैट्रिक्स तो होंगी, तो जो आपके यहाँ मैट्रिक्स गिवन दी है वो क्या दी है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन दी है जी 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, और जो बी मैट्रिक्स आपको गिवन दी है वो क्या दी है जी 2 1 4 3, जो बी मैट्रिक्स गिवन दी है वो क्या दी है जी 2 1 4 3, ये आपको जी गिवन दिया है। ठीक है, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, मैंने बोला जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो आपने देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर भी रही है नहीं कर रही है। कंडीशन क्या बोलता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स के है वो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए जी सेकंड मैट्रिक्स के। तो यहां पे देखिए एम इंटू एन, तो यहां पे मैं एन इंटू आर भी तो लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहां भी दो है यहां भी दो है। तो पहला पॉइंट तो आप क्या लिखोगे, कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूँ कंडीशन सेटिस्फाइड, लेकिन आपने एग्जाम के अंदर नहीं ऐसा लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी जी हमारी सेटिस्फाई हो गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इतना आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है जी, ए आई जे मैं लिख सकता हूँ, ए आई जे आपका किस फॉर्म है 2 बाई 2 में, और जो बी आई जे है वो भी किस फॉर्म में, आप बोलोगे सर 2 बाई 2 की फॉर्म है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो सी आई जे आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। मैंने बोला था कॉमन को कैंसिल आउट कर दो, कॉमन को कैंसिल आउट कर दो तो जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो सी आई जे मतलब कि जो थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 ऑर्डर की होगी, जो थर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो आपके पास ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स की होगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगर उसने ऑर्डर पूछा होता आपका आंसर यहीं पे आ जाना था, अगर उसने ऑर्डर पूछा होता आपका आंसर यहीं पे आ जाना था। अब देखिए जी मैं क्या करता हूँ, जब मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने है तो आपने लिख लिया जी 1 2 3 4, बी की जगह वी को लिखिए जी, क्या आएगा जी 2 1 4 3 इज इक्वल टू, क्या लिखिए जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब आपने सॉल्व कैसे करना है, अब आपने सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो जी जो आपके पास रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा, आप क्या करोगे 102, एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे जी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना समझ में आया, नहीं आया, ठीक है जी। फिर क्या कीजिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो को आप लोग जी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या लिखोगे जी 1 इंटू 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 इंटू 3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या कीजिए, सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैसे होगा जी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। यहां पे क्या कीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा जी 3 इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा जी 4 इंटू 3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा जी 2 प्लस 8, यहां पे कितना आ जाएगा जी 1 प्लस 6 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा जी 6 प्लस 16 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा जी 3 प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास कितना आंसर आएगा जी 10 22 7 और 15, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ऑर्डर कितना आ गया जी 2 बाई 2। लेकिन इसने ये तो नहीं पूछा है, लेकिन इसने हमसे ये तो नहीं पूछा है, ये तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमें कितनी चाहिए। तो देख लो कितनी मल्टीप्लीकेशन की आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ गया नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए बी को फाइंड आउट करने के लिए कितनी आई जी 8 आया। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट, अब यहां पे देखिए अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ एडिशन कितने की है, नंबर ऑफ एडिशन किसने कितने की है हमने ए बी को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ एडिशन कितने की है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर देख लेते हैं 1 2 3 4,
नंबर ऑफ एडिशन कितने आ गए जी? चार आ गए। समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गए जी आठ, और आपके पास जी नंबर ऑफ एडिशन कितने आ गए? चार। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो क्लियर लिख के जी कमेंट डाल दीजिए, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा इसका शॉर्टकट। ये तो हो गया कि अगर उसे सी पूछा होगा तब तो यार शॉर्टकट वहां नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूछी हो तो शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी करवाऊंगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्लियर का मैसेज डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिए और इसे नोट कर दीजिए। नोट कर लीजिए। हमें से किसी को डाउट होगा सर इतना लेंथी हम करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल सही लिखा है आपने, इन्हीं मेथड को मैं आपको करवाऊंगा। कर लिया नोट? बिल्कुल सेन गुप्ता जी, यही होगा, एम इन टू एन इन टू आर, बिल्कुल सही है। एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एडिशन? नंबर ऑफ एडिशन क्या होगा? कर लिया होगा आप लोगों ने नोट ना? देख लेते हैं जिसको, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पे देख लीजिए, अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने शॉर्टकट कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, यहां पे देख लीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट टू बी रिमेंबर के अंदर नोट करना है आपने इसे, है ना, क्योंकि शॉर्टकट होंगे वो इसी के अंदर लिखेंगे। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाएगी जी? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू आर। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि अगर मैं कोई डायरेक्ट शॉर्टकट लिखवाता तो आपके मन में डाउट रहता कि सर ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो लॉन्ग मेथड से तो हमने प्रूव कर लिया ऐसा होता भी है। तो ऊपर से वैल्यू नोट कर लीजिए, एम की वैल्यू ऊपर कितनी दी है? दो दी है। एन की वैल्यू कितनी दी है? दो दी है। आर की वैल्यू कितनी दी है? दो दी है। तो टू इंटू टू इंटू टू आंसर कितना होगा? आठ। तो यहां पे भी तो आठ आया है, यहां पे भी तो आंसर कितना आया है जी? आठ आया है। आया समझ में? नहीं आया? तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एडिशन की, अगर मैं बात करता हूं जी नंबर ऑफ एडिशन की, तो नंबर ऑफ एडिशन किसके इक्वल होगा जी? एम इंटू एन माइनस वन इंटू आर। तो ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा और नंबर ऑफ एडिशन कितना होगा। एम इंटू एन माइनस वन इंटू आर, तो एम कितना? दो है। एन माइनस वन क्या होगा? टू माइनस वन। आर कितना होगा? टू। तो टू इंटू वन इंटू टू आंसर कितना आ गया जी? इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा जी? इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। तो यहां पर भी तो कितना आया है? इज इक्वल टू फोर आया है। यहां पर भी तो कितना आया है? इज इक्वल टू फोर ही आया है। तो ये रहा जी इसका शॉर्टकट। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, मुझे बताइए उसका क्या आंसर होगा। मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और बताइए जी उसका आंसर क्या रहेगा। नोट कर लिया? कोई भी अगर डाउट भी आ रहा है ना साथ साथ में, आप वो भी क्लियर करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ भी रहा है तो साथ साथ में क्लियर करते रहिए। बताइए जी। करें जी, लिखिए जी, प्रॉब्लम लिखिए, अब सॉल्व कीजिए उसे। मुझे आपने बताना है कि उस केस में सी मैट्रिक्स किसकी इक्वल आई है।
सी मैट्रिक्स किसकी इक्वल आई है आपने उसे फाइंड आउट करना है। सी मैट्रिक्स किसकी इक्वल आई है आपने उसको जी फाइंड आउट करना है। क्या दिया जी आपके पास? ए दिया जी आपके 1 2 4 5, मैट्रिक्स ए गिवन दिया है जी 1 2 4 5, और मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन दिया है जी 3 2 1 4, 3 2 1 4, और बी मैट्रिक्स आपके पास कितना गिवन दिया है जी 3 2 1 4 के, कितना गिवन दिया जी 3 2 1 4 के इक्वल गिवन दिया। तो बताओ जी इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, मुझे सी मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए। सी मैट्रिक्स की वैल्यू बता दीजिए किसके इक्वल आया है, सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आया है वो बताइए। सेन गुप्ता जी आंसर सही है आपका। सेन गुप्ता जी आंसर सही आया आपका, बिल्कुल आ जाना चाहिए यार इतने टाइम में सबका आंसर। मोनी कुमार, अभिषेक, हितेश, क्या आंसर रहेंगे? अर्नव, अनीश, क्या आंसर रहेंगे? अभिषेक बिल्कुल सही है, अभिषेक जी आंसर सही आया है। स्टार्टिंग में किसी को डाउट भी था कि कमेंट डाउट्स पूछने कैसे हैं, क्या नाम था उनका? हाँ हितेश, हितेश क्या आंसर आया आपका? बिल्कुल सही है हितेश, हितेश आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है डाउट्स कैसे क्लियर होंगे इसमें? मैक्सिमम टाइम तो यही ट्राई करते हैं कि हम आपको डाउट्स आए ही ना, आपको कोई डाउट्स आए ही ना, इनके डाउट आ भी जाते हैं तो आपके पास वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जिससे कि आप अपने डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, जिससे कि आप अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है जी, तो आंसर आ चुके हैं, मैं आंसर लिख रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका आंसर अभी नहीं आया होगा, तो मैं अभी सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि घर पे जाके एक बार वीडियो को देखो और फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और फाइंड आउट करो आंसर क्या होगा, और फाइंड आउट कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया जी 5 10 17 28, आंसर जो आया वो कितना आया जी 5 10 17 और 28, ये आया जी आपका आंसर। ठीक है, कुछ को अगर आप में से डाउट भी है तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक बार आप वीडियो को देखना और उसके बाद सॉल्व करना, क्योंकि लास्ट में तो सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा यार। ठीक है, अब आ जाते जी, गेट ने ना लेवल कैसे बढ़ाया और प्रॉब्लम को किस तरह से पूछना स्टार्ट किया, गेट ने लेवल किस तरह से बढ़ाया और उसने सेम प्रॉब्लम को किस तरह से पूछा बाद में। देखिए उसने क्या बोला है, लेट ए बी इज इक्वल टू, सॉरी लेट लेट ए इज इक्वल टू, या सिंपल लिख लीजिए लेट ए 4 इंटू 5 है, एंड बी आपके पास गिवन दिया जी 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। फाइंड आपको क्या फाइंड करना है जी, फाइंड नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर टू गेट ए बी, फाइंड नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर टू गेट ए बी, नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर टू गेट ए बी, और दूसरा क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर टू गेट ए बी।
इन दोनों का क्या आंसर रहेगा? नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड टू गेट ए बी एंड नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू गेट ए बी। क्या आंसर रहेगा? 32 और 40। 32 और 40 बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल ही सही आया है। तो क्या अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एडिशन की, नंबर ऑफ एडिशन किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एम इंटू एन माइनस वन इंटू आर। एंड नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है जी? नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू आर, ये है ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो m किसके इक्वल है? m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ एडिशन की अगर मैं बात करता हूं तो किसके इक्वल आ जाएगा जी? 5, सॉरी m की वैल्यू कितनी है? 4। n माइनस वन कितना है जी? 5 माइनस 1। r कितना है जी? 2। कितना आ जाएगा जी? 4 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी? 32 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का उसने क्या बोला जी? m इंटू n इंटू r, तो आपके पास क्या हो जाएगा जी? 4 इंटू 5 इंटू 2। आंसर कितना आ जाएगा जी आपके पास? इज इक्वल टू 40। आंसर कितना आ जाएगा जी? 40। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मैं आपको एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर क्या रहेगा। एक प्रॉब्लम मैं आपको और दे रहा हूं, उसको बताइए उसका आंसर क्या आएगा। मैक्सिमम सबका आंसर आ चुका है, जिसको नहीं आया होगा वो बोर्ड से देख लेना ठीक है। मैक्सिमम सबके आंसर आ चुके हैं। किसी ने कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। क्या है जी? नेक्स्ट देखिए जी, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या करना है जी आपको? मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर टू फाइंड ए बी सी। ए बी सी को फाइंड आउट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जरूरी है? क्या है जी? वेयर ए 4/5, बी 5/2 और सी मेरे पास कितना आ गया जी? 2/1। सी कितना आया जी? 2/1। बताओ जी इसका, बताइए जी जल्दी। सेन गुप्ता जी आंसर गलत है आपका। सूर्य भान सिंह आंसर गलत आ रहा है आपका। सेन गुप्ता जी आपका आंसर गलत है। सूर्य भान सिंह जी आपका आंसर गलत है। प्रॉब्लम को समझिए यार, स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो। उसने क्या पूछा है? आंसर आपके सामने आ जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़िए, उसने क्या पूछा है? आंसर आपके सामने आ जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़िए। अर्नब घोष जी गलत आंसर है आपका। अर्नब जी ये नहीं होगा। स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर आपके सामने ही है। स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर आपके सामने ही है। अभिषेक जी बिल्कुल सही है। रोहित कुमार आंसर गलत आ रहा है। अभिषेक जी आंसर बिल्कुल सही है।
हितेश गुप्ता सही आंसर आ रहा है। देख लीजिए, सूर्यभान सिंह गलत आ रहा है, सेन गुप्ता जी गलत है। समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, दो वाला मैंने आपको करवा चुका था, तीसरा वाला मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया, और यहाँ पे उसने एक नंबर ऐड कर दिया जी, एक टर्म ऐड कर दी, जिसको उसने क्या बोल दिया जी, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर का मतलब है कम से कम कितना, कम से कम कितना। लेकिन अभी तक तो मैंने आपको सिंपली ये करवाया है, नंबर टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए, तो वो तो मैंने डायरेक्ट लिखवाया है, मिनिमम तो नहीं लिखवाया है। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। देखिए, इसको जब सॉल्व करना है तो या तो मैं लिख सकता हूं ए बी इंटू सी एंड, या तो मैं लिख सकता हूं और करके लिख लेते हैं, और या तो मैं लिख सकता हूं जी ए इंटू बी सी, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ए इंटू बी फाइंड आउट करो, सी से मल्टीप्लाई कर दूं, या बी सी को मल्टीप्लाई करूं और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्या कर सकता हूं जी, आंसर निकाल सकता हूं। रोहित कुमार जी बिल्कुल सही है, रोहित कुमार आपका आंसर सही आ रहा है। अर्नब जी अभी भी आंसर गलत है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं ए बी की, तो ये मेरे पास क्या है, 4 × 5 है, और बी मेरे पास क्या है जी, 5 × 2 है, ठीक है, और सी मेरे पास क्या है, 2 × 1 है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या बोला था, एम इंटू एन इंटू आर, एम इंटू एन इंटू आर। तो इसको जब मैं कहीं ना कहीं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो मैं इसे डी मैट्रिक्स मान लेता हूं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने आपको बोला था ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/2 का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा जी, इसका ऑर्डर आ जाएगा जी आपके पास 4/2 का ऑर्डर आ जाएगा डी मैट्रिक्स का। लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, एम इंटू एन इंटू आर कर दीजिए, वैल्यू के अंदर आप क्या कर दीजिए, एम इंटू एन इंटू आर को कर दीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो आपके पास आ जाएगा, एम कितना है जी, 4, एन 5, ये 2, जो कि कितना आ गया, इज इक्वल टू 40। 40 समझ में आ गया, ठीक है जी। मैट्रिक्स क्या बन की 4/2, मल्टीप्लाई किससे करोगे जी, 2/1 से, मल्टीप्लाई किससे करोगे जी, 2/1 से। इसका अगर मैं एम इंटू एन इंटू आर निकालता हूँ, किसके इक्वल आएगा, एम इंटू एन इंटू आर, तो आप बोलोगे सर ये तो आया जी 4 × 2 × 1, तो कितना आया, 8। 40 + 8 कितना हुआ भाई, 40 बार तो आपने यहां मल्टीप्लाई की, दूसरी बार आपने 8 मल्टीप्लाई की, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई कितनी होगी जी, 48। तो आपने यहां से एक आइडिया लगा लिया कि अगर मैं इस मेथड का यूज करता हूँ, अगर मैं इस मेथड का यूज करता हूँ तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितनी है जी, 48 है। अब मैं दूसरे मेथड का अगर यूज करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा जी, ए की वैल्यू क्या है, ए 4 × 5 × बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, 5 × 2, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 × 1, यही आएगी, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास डी मैट्रिक्स आ जाएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 और 2 कैंसल, 5 × 1 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जी, 4 × 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताइए ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका एम इंटू एन इंटू आर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो आ रहा है 5 × 2 × 1, जो कि किसके इक्वल आ गया जी, इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ गया। इसका जो आपके पास एम इंटू एन इंटू आर आया वो किसके इक्वल आ गया जी, वो आया जी इज इक्वल टू 10 के इक्वल आया। अब ये आपके पास इसका निकाल लीजिए किसके इक्वल होगा, ये तो आ गया 10, यहाँ पे आपने क्या लिखा है जी, 4 × 5, तो इसका एम इंटू एन इंटू आर निकालोगे कितना आएगा जी, 20, 20 + 10 करोगे कितना आएगा जी, 30। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, दोनों में से मिनिमम वैल्यू 30 है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 30। मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर टू फाइंड द एबीसी इज इक्वल टू द 30। जल्दी से बताइए, अगर सही है तो मुझे क्लियर लिख के कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो क्लियर लिख के कमेंट कर दीजिए, अगर समझ में आ चुका है तो क्लियर लिख के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और देखो सेन गुप्ता ही बिल्कुल सही आंसर आया, अब आपका सही है। अब देखो, इसको करने के बाद ना आपको ये नहीं लगा होगा कि सर ये तो मुझे नहीं आता था, बिल्कुल आता था, एग्जाम के अंदर भी ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम के अंदर भी ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी जो आपको आती होगी, लेकिन क्या वो मेथड स्ट्राइक कर रहा है माइंड पे या नहीं कर रहा है, वही आपके पास जो है, बिल्कुल नहीं रोहित कुमार जी, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कहीं ए इंटू बी है तो आप उसको बी इंटू ए नहीं कर सकते हो, आप इनकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हो, रोहित जी ऐसा नहीं होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर ए इंटू बी है तो आप उसे बी इंटू ए नहीं लिख सकते हो, इसी तरह सी पहले नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं होगा रोहित जी,
बताइए सही है नहीं सही है। क्लियर है? अब एक असाइनमेंट के लिए प्रॉब्लम लिखिए जी। कल से जो आपको असाइनमेंट है वो आपके लेक्चर के नीचे पीडीएफ फॉर्म में ही आ जाया करेगी, ठीक है? और दूसरी बात, जैसे ही क्लास खत्म होगी लेक्चर के नीचे क्यूज की ऑप्शन आ रही होगी, आपने उस क्यूज को अटेम्प्ट करना है। उस क्यूज के अंदर क्या होगा, जितने भी आज हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बनती है, वो सारी की सारी वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा कि उस आज की क्लास क्या, आज की क्लास बेसिक है तो क्यूज भी आपका क्या होगा, बेसिक लेवल का होगा। जैसे जैसे इसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा आपका क्यूज का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। उसमें आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कितने स्टूडेंट ने दिया है और आपका रैंक कौन सा आ रहा है, ठीक है? 2 घंटे की क्लास रहेगी जी ये। ठीक है, तो मेन आपका फोकस अभी यही रहना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इन केस अगर आपके जो भी डाउट्स आते हैं, क्योंकि देखो यार पढ़ोगे तो डाउट्स आएंगे, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, कुछ नहीं पढ़ोगे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। लेकिन उस कंफ्यूजन को आप जो है डाउट ना बनने दीजिए, क्योंकि वो डाउट बन गए तो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम करेंगी। अब असाइनमेंट के लिए आपने क्या प्रॉब्लम लिखनी है, आपने फाइंड ए बी, आपको ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो बी मैट्रिक्स दिया है वो आपके पास क्या दिया है जी, 3 2 1 6 5 4 9 8 7, ये दिया जी आपके पास बी मैट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सेन गुप्ता जी, क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज ही होगी, 1 2 दिन के अंदर क्लास की टाइमिंग जो है फाइनल हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली है जो आपका, आई थिंक कॉलेज आपका 4 बजे खत्म होता है ना, 4 या 4:30 पे खत्म होता है ना? तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि हम क्लास की टाइमिंग जो है आपकी वही टाइमिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके मैट्रिक्स है, ये आपकी रही असाइनमेंट, ये आपको असाइनमेंट जो करके आनी है, ये आपको असाइनमेंट घर से करके आनी है 3:30 बजे, है ना? ठीक है, तो एक बार यार आप वो देख लेंगे कि वो टाइमिंग क्या है, तो जाओगे रूम पे जाओगे, अच्छा रूम पे तो रहते हो आजकल ना, है ना? तो वो दिक्कत तो नहीं है, फिर भी देख लेंगे 4 या 4:30 बजे आपकी क्लास कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मेन चीज है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लास चाहे सुबह 5 बजे लगा लें, लेकिन 5 बजे भी नहीं समझ में आ रही है, शाम को 5 बजे नहीं समझ में आ रही है, तो दिक्कत है। ठीक है, कर लीजिए इसे नोट, ये आपकी असाइनमेंट रहेगी, आपने कल इसको जो है प्रूव करना है कि क्या होगा। वो देखिए ऐसा नहीं, जब भी क्लास की टाइमिंग फाइनल होगी ना, जितने भी स्टूडेंट हैं हम उनसे जरूर डिस्कस करेंगे कि उनको कौन सा टाइम जो है वो सही रहेगा, उनको कौन सा टाइम जो है सुटेबल रहेगा, किस टाइम के लिए वो कंफर्टेबल है। तो जो मेजोरिटी ऑफ आंसर्स होंगे वही आपकी टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन वो करेगा वेरी यही 4 बजे या 4:30 बजे, इससे ज्यादा ऐसा मत कि आप रात को 10 बजे बोल दें तो इतनी भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। हितेश गुप्ता जी अभी तक तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको शॉर्टकट नहीं करवाया है ना, इसका मैंने नहीं करवाया है, ये सिर्फ इसके, क्योंकि देखो यार मैथ्स पढ़ना है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन में कहीं आप गलती ना करें तो इसलिए मैंने आपको दिया। एग्जाम में वैसे ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ इसलिए कहीं कैलकुलेशन में आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो तो गलती आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ होगी। समझे हितेश जी मैंने क्यों प्रॉब्लम दी है, दूसरा मुझे कुछ नहीं है, मैंने मैं नहीं चाहता कि आपसे इतना बड़ा सोल्यूशन करवाऊं और इसका मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता सकता हूं, लेकिन इसको सॉल्व करते टाइम क्या कैलकुलेशन में आपने कोई गलती की, वही मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, अब लिखिए जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब लिखिए जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखिए, अब लिखिए जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है, रॉ मैट्रिक्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछी जाती ना, रॉ मैट्रिक्स किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन यार अगर आपको रॉ मैट्रिक्स पता होगा ना तो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो आप कुछ एक सेकंड में सॉल्व कर दोगे, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है कुछ एक सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो डायरेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन जो भी मेरे पास
जो भी मेरे पास एडवांस प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं रॉ मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम रॉ मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल रॉ, रॉ मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल रॉ, सिंगल रॉ, उसे हम क्या बोल सकते हैं जी? रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल रो इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 4, ये क्या है? सिंगल रो है, ठीक है जी। तो अब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था एम का मतलब क्या होता है जी? नंबर ऑफ रो, और एन का मतलब क्या होता है जी? नंबर्स ऑफ कॉलम। एम का मतलब नंबर ऑफ रोज और एन का मतलब क्या होता है जी? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो मतलब कि जब आपके पास रो मैट्रिक्स होगी तो इस केस के अंदर एम की वैल्यू 1 रहेगी, एम की वैल्यू 1 रहेगी। और ना दूसरा मुझे आप बताना कि इस केस में एन की वैल्यू 1 रहेगी या ग्रेटर देन 1 रहेगी, ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा? मुझे सिर्फ आप ए और बी कमेंट करके बता दीजिए। ए ऑप्शन होगा इसमें ऐड या बी ऑप्शन ऐड होगा? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, एन का मतलब क्या होता है जी? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें बताइए जी क्या रहेगा जी, ए ऑप्शन रहेगा या बी ऑप्शन रहेगा? सिंपल कमेंट करके बता दीजिए। ए बी क्या होगा? आपको लगता क्या है? आपको लगता क्या है? बी ए बी वन, बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल के अंदर क्या मैं रो मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल ही लिख सकता हूँ। इट मीन्स बिल्कुल हितेश जी बिल्कुल ही सही है, हितेश जी बिल्कुल ही सही है। रो मैट्रिक्स के अंदर आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। एक तो होगा ये, और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, या एन इज इक्वल टू 1 होगा या एन ग्रेटर देन 1 होगा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसके चांस है, पूछ लेते हैं, लेकिन ये भी एग्जाम के अंदर कम पूछा जाता है। अब आ जाते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको आएगा सर एग्जाम में पूछे ही जाता तो करवा क्यों रहे हैं? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है इन मेथड्स का यूज करेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा जी? दूसरा आपके पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी मेरे पास क्या है जी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम। मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम, ओनली अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल क्या होगी? 2, 3, 4। तो इसमें मैं ये भी तो लिख सकता हूं सिंगल कॉलम सिंगल रो, तो मतलब कि इसकी कंडीशन क्या रहेगी? इसकी कंडीशन रहेगी कि जो n है वो इज इक्वल टू 1 है, और जो m है वो इज इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है तो जी क्लियर का मैसेज डाल दीजिए। जल्दी बताइए जी, क्लियर है? क्या वो नींद आ रही है आपको क्लास के अंदर यार? कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? सब ठीक है ना भाई? नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है, जी किस लिए वेट हो रहा है? ठीक है, बिल्कुल सही है जी। रो मैट्रिक्स भी समझ ली जी, कॉलम मैट्रिक्स भी समझ ली। थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा जी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इफ
इन मैट्रिक्स, इफ इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, इफ इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इफ इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि क्या है, अगर आप लिखते हो ए को ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन इन टू एन, मतलब कि क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रोज क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इतना आप समझ लेना, इस पूरे के पूरे लीनियर अल्जेब्रा के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहेगी वो मेरे पास, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहेगी वो मेरे पास कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी, वो कहीं ना कहीं मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। तो इसमें लिखिए जी, एक नोट के अंदर चीज लिखिए इसमें, दैट मीन हैविंग ओनली वन एलिमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि वन एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं है, इसने क्या बोला है, ऐसा होगा। देखो, अगर मैं 2 by 2 की लिखता हूँ, 3 by 3 की लिखता हूँ, 4 by 4 की लिखता हूँ, 5 by 5 की लिखता हूँ, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सेन गुप्ता जी, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सर, इफ वी राइट मैट्रिक्स ए, देन कैन वी से रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी, इन केस, ध्यान से, बिल्कुल सही बोला है जी आपने सेन गुप्ता जी, इफ इफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, इफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा होता है, बिल्कुल सही है, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को जी हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है जी ये भी आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू फाइंड द डायगोनल डिटर्मिनेंट इक्वेशन एडजॉइंट इनवर्स एटसेट्रा। इसे लिख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम हर जगह यूज करेंगे, टू फाइंड द डायगोनल डिटर्मिनेंट इक्वेशन एडजॉइंट इनवर्स एटसेट्रा। तो मतलब कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या रहेगी जी, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आपके पास क्या रहेगी, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना समझ में आया, अब लिख लीजिए नेक्स्ट। सिर्फ लास्ट की दो मैट्रिक्स मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी का हम कल करेंगे। अब देखिए जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, अब देखिए जी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, लिखिए जी, इफ इन अ मैट्रिक्स, इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स, इफ इन द मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, एक्सक्लूडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, आर जीरो। इसका सिंपली मतलब क्या है, बिल्कुल ही तेजी, मैं मुझे लगा आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि मैं इतनी जल्दी रब ना करूं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यहां पे देखिए जी, 3 0 0, यहां पे मैं लिखता हूं 0 4 0 0 0 5, ये कर लिया जी। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, डायगनल को छोड़ के बाकी सारे के सारे अगर आपके पास क्या हो जाते हैं जी, जीरो, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ जी, डायगनल मैट्रिक्स बोलता हूँ, उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ जी, डायगनल मैट्रिक्स बोलता हूँ। सही है,
आप देख लीजिए बताइए जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज अ डायगनल मैट्रिक्स। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो स्केलर मैट्रिक्स का सिंपली मतलब क्या होगा, अगर डायगनल एलिमेंट की वैल्यू सेम रहे, अगर डायगनल एलिमेंट की वैल्यू सेम रहे तो इसको मैं क्या बोल देता हूं जी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज लाइक अ डायगनल मैट्रिक्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स जितने भी मेरे पास डायगनल एलिमेंट होंगे, जितने भी मेरे पास डायगनल एलिमेंट होंगे उन सबकी वैल्यू क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायगनल एलिमेंट्स एंड द डायगनल मैट्रिक्स एंड द स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया नहीं आया, जल्दी कमेंट कर दीजिए। क्लास में किसी को भी कोई डाउट तो जल्दी मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि ये चीज आपको नहीं समझ में आई है। हाँ जी बताइए, कोई डाउट जल्दी बता दीजिए, कोई डाउट किसी को। पूछना है किसी ने कुछ, क्लास ओपन नहीं हुई है अभी तक, ऐसे में सोचना क्लास खत्म हो चुकी है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए जी, अब निपुण सर आएंगे और वो आपको गेट के ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या गलती करते हैं पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर आप क्या क्या गलतियां करते हो। तो अब आपके जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो निपुण सर करेंगे आपकी क्लास कंटिन्यू। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं एक बार अपने नेम के साथ ट्रेड लिख के बताइए, किस किस ट्रेड के लिए हैं आप, कौन सी ट्रेड से आपकी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग ट्रेड्स, गुड जी। मैकेनिकल इंजीनियर, सीएससी मैकेनिकल, ओके। सीएससी अर्नब जी, गुड गुड, सीएससी मिक्स, ठीक है जी। पहले मेरे को ये बताइए, गेट की अगर हम बात करें, ठीक है, अब तो आपको काफी टाइम हो गया, जैसे हमारी अभी इंटरेक्शन हुई है काफी टाइम हो गया गेट की प्रिपरेशन के लिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, गेट क्रैक करने के लिए आप काफी, जैसे अभी तक हमारे पास आई है जो लिस्ट, 1 साल से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, स्ट्रेटेजी क्या है गेट क्रैक करने की, आप क्या लगता है कैसे आप इजीली गेट क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, या आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, पीएससी उसके लिए जाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो ये साल है दिस ईयर सबसे इजी है क्रैक करना गेट, सबसे इजी है क्रैक करना गेट, सॉरी, सबसे इजी कैसे है, कोविड करके, कोविड-19 करके काफी ज्यादा डिस्ट्रेक्शन है। तो बताइए पहले, कोई स्ट्रेटेजी अभी तक बनाई है कि कैसे हम क्रैक करेंगे। कैसे क्रैक करेंगे, चलिए जी डिस्ट्रेक्शंस का एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइए, अराउंड 4 मंथ्स हो चुके हैं जी कोविड को, तो आपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। चलिए जी स्ट्रेटेजी थोड़ी बड़ी बात होगी तो हम इससे बात करते हैं, यूटिलाइज कैसे करा ये 4 महीने, मैंने ये 4 मंथ्स, अब कह रहे हैं सर, कह रहे हैं जी बड़ा इजी है, तैयारी अभी हम सोच रहे हैं बीच बीच ही चल रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कैसे 4 मंथ यूटिलाइज करें अभी तक, 4 महीने लॉकडाउन के, 4 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करें। ओके वेरी गुड सन गुप्ता जी, वेरी गुड। बाकी
बाकी भी स्टूडेंट्स काफी जुड़े हैं। हाँ जी रिप्लाई करिए। बाकी सब मेरी तरह ही है कि चलो लूडो खेल ली, टिकटॉक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, ठीक है जी पबजी खेल ली, ठीक है वेरी गुड अन्नम गोची, वेरी गुड। ठीक है अब देखिए कोई बात नहीं, चाहे आप इस सेगमेंट में हो चाहे आप स्टडी कर रहे थे, बट अगर हम बात करते हैं आज से, अगर हम बात करते हैं आज से, ठीक है जो पिछला हो गया उसको तो हम भूल जाते हैं, आज से हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर आप बात करते हो 50 to 60% इंजीनियर हमारा बीसीपी है और 10 to 30% क्या है स्टडी कर रहा है। जब आपके कॉलेज चल रहे होते थे, गुड अभिषेक जी वेरी गुड, जब आपके कॉलेज चल रहे होते थे तब थोड़ी टेंडेंसी ज्यादा होती थी पढ़ने की, तब क्या होता था आपके फ्रेंड्स मिलते थे, आप देखते थे खुद जाके घर आके पढ़ रहे हो, थोड़ा रूटीन बना रहता था, अभी घर पे रूटीन की प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी रूटीन की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है जनरल, अभी जनरल बच्चों का, क्योंकि बड़ा कहीं उठ के जाना तो है नहीं, अगर सवेरे उठना है तो कहीं जाना नहीं है। पहले क्या होता कॉलेज की बस आ रही है या हॉस्टल में रह रहे हो, आप आ रहे हो जा रहे हो, मूवमेंट रहती थी, एक्टिव रहते थे। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है गेट क्रैक करने की, तो मुझे पता लग गया सिर्फ 10 से 30% है, तो इस बार जो कॉम्पिटिशन है वो कम होने वाला है, इस बार का जो कॉम्पिटिशन है कम होने वाला। अगर हम अभी से एक एक्टिव स्ट्रेटेजी बना ले पेपर क्रैक करने के लिए तो हमारे लिए काफी काम ईजी हो जाएगा। ठीक है थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है अब आपको टू वे इंटरेक्शन दिख ही रही होगी, आप कैसे टू वे इंटरेक्शन कर सकते हैं। पहली चीज तो जो मैं यहां पे पढ़ रहा हूं स्टडी कर रहा हूं मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टडी मैंने फॉलो कर लिया, जो भी मैंने अभी सर ने पढ़ाया, जैसे आप पहले भी पढ़ रहे थे स्टडी को फॉलो कर रहे हो। सेकंड क्या होती है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, भी पढ़ तो लिया समझ तो आ गया बट प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नहीं करें, मैं थोड़ा सा इंटरफेस बता देता हूं, जैसे बच्चों के ऐप के क्वेश्चन आ रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपका ऐप पे ही अटैच है, सारा ऐप में ही अटैच्ड है। तो जैसी ऐप में क्या करोगे, आपको कुछ भी थर्ड लिंक नहीं चाहिए, उसी के नीचे स्टडी मटेरियल आ जाता है, एक सेक्शन आ रहा है उससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या मैं स्टडी फॉलो करूं और प्रैक्टिस क्वेश्चन करूं मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, बताइए। एक स्ट्रेटेजी की बात करें, सबकी स्ट्रेटेजी होती है, तो अगर मैं स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहा हूं और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बताइए। नहीं आएगा, ठीक है मे बी मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूं स्टडी मटेरियल भी, वेरी गुड, और ये भी कर रहा हूं, मुझे कब पता लगेगा मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। कई बार मैं सोचता था, जैसे मैं अपना या वैसे सर का बताऊं या मैं अपने बारे में आइडिया लूं, ठीक है मैंने 4 से 5 बार गेट क्वालिफाई करा, बट जब मैं सबसे पहली बार क्वालिफाई कर रहा था ना तो मैं सोचता था मेरा मैथ्स बड़ा वीक है, मैथ्स बड़ा वीक है, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, मुझे लगता था मेरा मैथ्स बड़ा वीक है, ठीक है बस मेरे को डर लगता रहता था कि मैथ्स है पता नहीं क्या होगा, मैथ्स करके मेरा रह जाएगा, मैथ्स करके पेपर रह जाएगा गेट का। बट जब मैंने देखा एक दो बार एनालाइज करा, भाई मैथ्स में तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं बट मेरे एक दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जिसमें मैं काफी वीक चल रहा हूं, वो मुझे कैसे पता लगा, वेरी गुड अभिषेक जी, वो सारा कहां से पता लगता है, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट आता है क्विज, एक पार्ट आता है मेरा टेस्ट। मुझे इन चीजों से पता लगता है, इन चीजों से मुझे पता लगता है कि एक्चुअल में मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेरी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ तो सबको पता है कि मैं ये कर रहा हूं बट मेरी वीकनेस कहां है, मैं पेपर में कहां रह सकता हूं। तो जब भी अभी सारे पैटर्न जितने भी हो गए या ऑनलाइन ही होते, और गेट तो कितने सालों से ऑनलाइन हो रहा था, तो जैसे ही आज आपकी आज की क्लास आपने अटेंड करी तो आपको क्या करना है, वो स्टडी को फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद प्रैक्टिस करने, साथ के साथ आपके नीचे एक ऑप्शन आ रही है क्विज की, आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। क्विज अटेम्प्ट करते ही आपको क्या पता लगेगा कि जितने अभी सीयू के बच्चे हैं उनमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जितनी आपके क्लास में बच्चे हैं उनमें आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। बट क्या अकेले सीयू के बच्चे ही गेट देने जाएंगे, क्या अकेले सीयू के बच्चे ही गेट देने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, ये तो क्विज था सीयू वालों के बीच में, बाद में हम बनाएंगे टेस्ट वाली ऑप्शंस, टेस्ट भी इसी ऐप के ऊपर होंगे डायरेक्टली,
बट जब भी आप ये टेस्ट देख रहे हो तो आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपको टाइमर टाइमर सारा कुछ लगा होता है, क्विज में ही टेस्ट में टाइमर्स लगे हुए हैं, टाइम एनालाइज करके टेस्ट देने हैं। इसी ऐप के ऊपर टेस्ट की ऑप्शन है, वो हमारा पैन इंडिया होगा, वो हमारे जो टेस्ट होंगे वो पैन इंडिया होंगे। पैन इंडिया टेस्ट का मतलब क्या है, जो हमारे दिल्ली सेंटर में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बठिंडा सेंटर में स्टूडेंट है, जयपुर में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो लुधियाना में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्लस 22 सेंटर्स में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सबके बीच में कंपटीशन होगा। वहां से मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूं। तो यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ आया, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी तक एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अभिषेक जी, अंशु जी, मोनी जी, काफी स्टूडेंट्स हैं, मैं मान कर अगर मेरा गेट आपका गेट क्लियर हो जाता है, कि आप अपने साथ वाले को कह दो कि भाई तू आईआईटी से एमटेक कर ले, अगर आपका गेट क्लियर हो जाता है तो अपने साथ वाले से कह देंगे कि आप, कि यार मैंने तो करनी नहीं, तू ले ले मेरा रैंक, कोई है आप में से बताइए, कि यार मैंने तो कर लिया क्लियर, बट कोई ना तू ले ले मेरा रैंक जल्दी फटाफट से क्विकली, टू वे इंटरेक्शन है, क्विकली आंसर चाहिए मेरे को, सही बता रहे हैं आप, अच्छा जी आने लग गया आंसर, गुड, नहीं देंगे, ठीक है नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, जहां पे मेरे को पूरी सीरीज में डाउट आ जाता है, मतलब अगर मैं अपनी सीट सिलेक्शन के बाद किसी को नहीं दे सकता, ऐसे ही अगर किसी और की सिलेक्शन होगी तो वो मुझे भी नहीं देगा, तो मेरा डाउट है, मेरा अपना डाउट क्लियर होना चाहिए। तो मेरा डाउट, जो मेरा एक हर्डल है, अब मेरे को आपने बताना है, ठीक है, आप बहुत करीब हो क्योंकि आपने इस बार पास आउट हो जाना है, ठीक है, सेशंस के बाद आपने पास आउट हो जाना, तो सारे याद करना, जब 8th पास करी थी, 10th पास करी थी, सबसे ज्यादा फोन किसके आए थे याद है कुछ, कि प्लस टू के बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी आई थी बताइए, कि लड़के के कितने नंबर आए, लड़की के कितने नंबर आए बताइए, किसकी आई थी कॉल्स, अभी कोविड में नहीं आई होगी, कि भाई ठीक है सब घर पे, सब घर पे सही है, कोविड से बचे हुए हो, बट उस टाइम आई थी जी कॉल्स। हाँ जी बिल्कुल सही जी, सही कह रहे हैं जी आप, पता है आपको रिलेटिव्स की कॉल आएंगी भाई, हाँ जी क्या करो, ऐसे ही जब आप, मतलब मैं सोच रहा था मेरे रिश्तेदार ही ऐसे हैं, मतलब सभी के ऐसे ही हैं, आपके भी इसी तरह के ही हैं, तो क्या होगा जैसे आप पास आउट होंगे वो कहेंगे अब सीयू से डिग्री तो आ गई है, सीयू से डिग्री तो आ गई है, अब क्या कर रहा है लड़का, अब क्या लड़की कर रहे हैं, तब आप ये नहीं कह सकते जी कोविड करके रिसेशन है इसलिए मैंने कुछ नहीं करा, तो सब बहाने लगेंगे। तो आपने मुझे बताना है, ठीक है रोहित जी वेरी गुड, अभिषेक जी वेरी गुड, आपने मुझे बताना है, अब रीजंस बनाने हैं हमें, किसके कारण मैं गेट में फेल हो सकता हूं, रीजंस आपने एनालाइज करने हैं। देखो पॉजिटिव पार्ट तो हम सारी कर रहे हैं, बट मुझे भी आपने रीजन बताने, किस रीजन करके मेरी गेट में सिलेक्शन रुक सकती है, सबकी अपनी अपनी होंगी, आपने ये सोचना है अब, ठीक है, अब तक जो हो गया वो हमें पता नहीं भी क्या हुआ है, सही हुआ है बुरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आने वाली लाइफ अब हमने देखनी है, हमने स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट टाइम है, तो मुझे बता सकते हो आपका पेपर किस रीजंस के कारण रह सकता है, आपको लगता है यार मैं अगर ये गलती करूंगा ना, अभी तक कर रहा हूं मैं, तो मेरा पेपर रह सकता है, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ गेट एग्जाम, क्योंकि क्या होता है 100 मार्क्स का पेपर है, 65 क्वेश्चन है मेरे, और जनरली जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग जाता है वो 30 आउट ऑफ 100 जाता है, 30 आउट ऑफ 100 जाता है, वेरी गुड जी, फर्स्ट सिली मिस्टेक्स, वेरी गुड, सिली मिस्टेक्स, लैक ऑफ सिलेबस एंड स्टडी टाइम, ओके ये तो कोई इश्यू नहीं है, ये हो जाएगा मैनेज, बट स्टडी टाइम थोड़ा सा, और कोई रीजन लगता हो इस रीजन के कारण, ये सोचना है आपने, जब आपने ये सोच लिया ना कि किस किस कारणों के कारण मेरा, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन सोचेंगे, अगर सोल्यूशन सोच लिए और इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे तो गेट भी क्लियर हो जाएगा,
क्योंकि अभी तक तो सारे सेमेस्टर क्लियर हो रहे हैं एक एक दिन पहले पढ़ के। ऐसे होता है ना, पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं यार ये भी हो गया, एमएसटी से एक दिन पहले पढ़ा हो गया। पर जब पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या लगता है कि भाई रब्बा ऐदगी पास करा दे, अगली बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। फियर ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो बट गेट तो ऐसा नहीं होने वाला, अब तो पैन इंडिया कंपटीशन हो गया। टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड, टाइम मैनेजमेंट। गिव मोर टाइम फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। प्लेसमेंट प्रिपरेशन, देखिए जी प्लेसमेंट प्रिपरेशन तो सारी आपकी इसी कोर्स में इंक्लूड हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको इसके वे और सिली मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे पेपर की, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं होना वहां पेपर, ऑनलाइन होना है, तो जितनी ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे हम इसको ओवरकम कर जाएंगे। लैक ऑफ सिलेबस कोई इशू नहीं है, ये तो हम मैनेज करा देंगे, इसका कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। स्टडी टाइम आपको खुद मैनेज करना है, मतलब दिन में हमें 2 से 4 घंटे अगर डेडिकेट, और आजकल तो क्लासेस में भी नहीं आना पड़ रहा, आपके ऑनलाइन ही लग रही है वहां पे, तो इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फियर ऑफ एनी सब्जेक्ट, उसके लिए हम बैठे हैं कि पूरी एडोस्फेयर की टीम बैठी है, कोई बात नहीं, आपको किसी सब्जेक्ट का डर रहा है कोई इशू नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी मैं आपको किसी पेपर में या आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी पे आपने वर्क करना है। वैसे टेस्ट सीरीज के बाद बहुत डिटेल रिपोर्ट आती है, तो वहां से आप टाइम मैनेजमेंट को वर्क ऑन कर सकते हैं। प्लेसमेंट प्रिपरेशन अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आप कर सकते हो। मुझे गेट में नेगेटिव मार्किंग बता सकते हो कितनी होती है? ठीक है, अब तो आपको 1 ईयर हो चुका है, तो मुझे बता सकते हो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है गेट के पेपर में? कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? ये नेगेटिव मार्किंग होती भी है, या नेगेटिव मार्किंग होती भी है? पॉइंट टू फाइव अर्नब जी, वेरी गुड, 1/3, 2/3। देखो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, गोली सबके पास है, पर मानना तो हो जाएगा ना, जो टारगेट पे जिसको चलानी आती हो, टारगेट पे मारनी आती हो, चला कोई भी लेगा टारगेट पे। अब देखिए मेरे पास 3 या 4 आ रहे हैं, मैं किसी की नॉलेज चेक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अवेयरनेस के बारे में। जैसे आप क्या करते हो, आप इसको सेमेस्टर स्टडी लेके चलिए, बस वही है, कोई मुश्किल नहीं है, गेट हुआ नहीं है। सेमेस्टर स्टडी की अगर मैं बात करूं तो मैं देख लेता था यार मेरा टीचर क्या करा रहा है मेरे को, मुझे पता था यार इस सेगमेंट में यही पाएगा पेपर में, आप जजमेंट कर लेते थे, और आप नोट्स लेके या खुद भी बना के आप फटाफट पेपर में अच्छे मार्क्स ले लेते हो। तो वैसे ही स्ट्रेटेजी यहां बनानी है। देखिए जी सबसे पहले याद रखिए, गेट में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, गेट में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज है। कई बार आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कराते हो, कई बार आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करो नेगेटिव चला जाता है। ऐसा भी है कोई क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो, कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो? ऐसा भी कोई क्वेश्चन है? जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हो, है कोई ऐसा क्वेश्चन? एक होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, एक होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक होता है 1 मार्क्स क्वेश्चन और एक होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन, और एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, फिल इन द ब्लैंक्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। गुड हितेश जी, अब 1/3 ऑफ मार्क कर रहा हूं तो भाई नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.33।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 0.66। तो जैसे हम प्लस टू में करते थे अर्नब जी, 1/4 वाला, 0.25 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता इसमें, कि भाई चार अटेम्प्ट कर दो, एक सही हो गया, तीन गलत हो गए, तब भी 0.25 नंबर मिल जाएंगे। IITs बहुत स्मार्ट है इस चीज में। तो IITs का क्या, 1/3 मार्क्स मतलब 0.33, 0.66 क्या हो रहे हैं, ये नेगेटिव मार्किंग की चीज आ रही है। ये क्या चीज आ रही है, नेगेटिव मार्किंग की चीज आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव मार्किंग की चीज आ रही है इसका। ये नेगेटिव मार्किंग की चीज आ रही है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। पहली चीज तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें 0.6 है, इसमें 0.33 है। तो पेपर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या चीज देखनी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या चीज देखनी है। अब आपके रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन हो, बाकी स्ट्रेटेजी आगे वाली क्लासेस में होगी, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी चीज के रिलेटेड, हाँ जी, अगर आपको इसका बैकअप देखना है, इस सारा बैकअप आपके पास अवेलेबल होता है, आपने क्लास अटेंड करी है तब भी आपके पास बैकअप है, आपने क्लास नहीं भी अटेंड करी तब भी आपके पास बैकअप अवेलेबल है, और आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो अभी जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, 5 महीने बाद मैं सब्जेक्ट भूल जाता हूँ। जनरली सेमेस्टर तक की माइंड में रहती है पावर कि सेमेस्टर तक याद होगा, बट पेपर तो अभी हो रहा है आपका फेब में इस बार, तो मैंने क्या करा उसको रिवाइज करने के लिए दोबारा देखा। कई बार मेरा डाउट आ जाता है कुछ टॉपिक, मेरे को क्या होता है डाउट आ जाता है, मैं जब स्टडी करता हूं, मैं क्या कहता हूँ, साथ बैठ के पढ़ते हैं, साथ बैठ के पढ़ते हैं, मतलब मैं साथ बैठूंगा और मेरा फ्रेंड मेरे को गाइड करेगा। आप कोविड में साथ नहीं बैठ सकते तो उसमें आप दोबारा वो लेक्चर रिकॉल कर सकते हो, दोबारा ऐप में ही लेक्चर रिकॉल कर सकते हो। डेली का कोई लिंक नहीं है हमारा, जो आप आज जैसे जिस लिंक पे आए हो अगले दिन भी बस वही रहेगा, आपकी ऐप में ही सारे एक्सेस होंगे। थर्ड, टेस्ट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, एक तो आप हमसे यहां पे लाइव डाउट पूछ रहे हो, एक हमारा ऑल इंडिया डिस्कशन फोरम भी है, उसमें भी वो आपको लेटर ऑन चीजें बताएंगे कैसे कैसे आप ऑल इंडिया डिस्कशन फॉर्म में कोई डाउट ले सकते हैं। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी चीज से रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो किसी रेट, बाकी सारी आपको आगे आगे चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स वगैरह का हम बाकी डिस्कस कर लेंगे सारा, सारे उस वाले पार्ट पे वर्क ऑन कर लेंगे। हितेश जी, प्रॉब्ली एक दो दिनों में एक बार, अभी हम चल रहे हैं इस मॉड्यूल में, आपको एक बार इससे कंफर्टेबल कर रहे हैं सारा, इससे क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंफर्टेबल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमारा कोई लिंक वाला सिस्टम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ने, हमारी अपनी ऐप है, इसी में चल रही है, ऑलरेडी 10 लाख+ स्टूडेंट्स हैं इस ऐप के ऊपर। तो जब आपका थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएगा फिर उस वाले बात पे हम कर लेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो, हाँ जी, ये देख सकते हैं आप बैकअप, बिल्कुल जी बैकअप आप देख सकते हैं, इसके बाद एंड होती है बैकअप सेव हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का, ठीक है, कल सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेंगे, बाकी जैसा भी होगा आपके पास वहां पे जसवीर सर है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, बट क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिए, हम क्विज से एनालाइज करके देखेंगे क्या रैंकिंग चल रही है आपकी और क्या चीजें वो कर रहे हैं। इतने जो सारा मॉड्यूल आ जाएगा हमारे पास, बस अभी हमारे को ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैथमेटिक्स की 15 मार्क्स, 10 मार्क्स की वेटेज रहती है, तो 10 मार्क्स काफी होते हैं, और हमें डायरेक्टली शॉर्ट शॉर्ट बताता होता है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। विशाल सर काफी एक्सपीरियंस टीचर है, कितने सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आइडिया होता ही है उनको यहाँ वाले पार्ट से वो आएंगे। ऑलरेडी वो HPCL में वर्क कर चुके हैं, PSUs में, इवन IITs में वर्क कर चुके हैं, आजकल मोटिवेशनल लेक्चर्स हो गए या कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क होता है उसको हैंडल करते हैं, राइट right? और कोई क्वेश्चन हो जी, नहीं डिले नहीं है हितेश जी, चैट जो चलती है वो करंट चलती है, बट जब हम टॉपिक के बीच में होते हैं तो हम जनरली रिप्लाई नहीं करते। जब आप रिपीट, अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज रिपीट लिख के भेज दीजिए, साथ के साथ कर देंगे, डिले नहीं है, वो हमें साथ ही दिख जाती है। अब मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं, बट जब मैं टॉपिक के बीच में होता हूं तो मेरे पास बहुत बड़ी चैट चल रही होती है, तो हम हर एक को नहीं करते डायरेक्टली, आपको लॉजिक ही बता देते हैं। और आपने वॉइस क्लैरिटी वगैरह सब देखा होगा, देखिए
अब अगर क्विज के क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग हो तो अभिषेक जी क्या करेंगे? अब इसके दो रीजंस बनते हैं। पहली बात तो अगर आपको पता लग जाता है रॉन्ग है तो आपको एक पॉजिटिव पार्ट पता लग जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं हितेश जी, ऐसा सच कोई डिले नहीं आ रहा, मेरे को तो आपका डायरेक्टली दिख रहा है। अब क्विज अगर रॉन्ग है, क्विज अगर रॉन्ग है, हमारे ना हर क्विज या टेस्ट सीरीज के नीचे ना आपको कहीं भी डाउट आ जाता है तो ना वहां पे रेज डाउट की ऑप्शन है। आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे रेज डाउट की ऑप्शन है, पूरा जीयूआई है इसका। तो जहां पे आप डाउट में क्लिक करोगे कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो वो कंसर्न फैकल्टी तक चला जाता है, उसी में रिप्लाई आ जाता है आपको। वही अभिषेक जी मैं आपको बता रहा हूं क्विज वाले पार्ट में। तो अगर आपको लग रहा है वहां पे नीचे देखो, जब आप रिपोर्ट चेक करोगे, रिपोर्ट चेक करोगे तो रिपोर्ट में डाउट वाला ऑप्शन है, रिपोर्ट में डाउट वाला ऑप्शन है, रिपोर्ट में डाउट वाला ऑप्शन है, तो वहां से आप रेस कर सकते हैं। राइट, कोई और क्वेश्चन हो? एनी अदर क्वेश्चन? ये अलग अलग होंगे हितेश जी, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। ठीक है जी अभिषेक जी, बाकी वो चीज चेक हो गई है। अभी अपलोडिंग सीयू के लिए अलग प्रोफाइल आ रहा है, तो इसलिए आपको छोटा सा क्वेज होगा, वो आप चेक कर सकते हैं उस वाले पार्ट को। और कोई क्वेश्चन हो किसी चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकली रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी आप कर सकते हैं। नीचे एक डिस्कशन फॉर्म भी है, मैं आपको डिजिटल क्लास में दिखाऊंगा, एक डिस्कशन फॉर्म भी है, उस डिस्कशन फॉर्म पे भी आप डाल सकते हो कुछ भी। कोई आईआईटी की, एक आपके पास गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स करके भी है, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है किसी भी चीज के रिलेटेड, वो सारे अपडेट्स आ जाते हैं वहां पे। ठीक है जी, और कोई किसी का कोई क्वेरी हो? ठीक है हितेश जी, अभिषेक जी, आपको क्लियर हो गया वो डिले वाले पार्ट के लिए? सिर्फ इंटरेक्शन के लिए आज मैं ले रहा हूँ क्लास, बाकी सारा विशाल सर भी देख रहे हैं, बाकी वाले पार्ट भी कल भी आप मिलूंगा। कल मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा ऐसी जिससे गेट क्रैक करना इजी हो जाता है। ठीक है, कोई जड़ी बूटी नहीं है कि कल खिलाएंगे तो सारी कर देंगे, एडोस्फेयर वालों ने जड़ी बूटी खिला दी, बट आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे थोड़ा सेफ साइड पे आप हो जाते हो। और वो मुझे थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे गेट के पता लगा था कि फोर्थ टाइम जब क्वालिफाई हुआ कि ये चीज थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी हो? सबके देंगे जी आंसर्स, बाकी क्लास तो खत्म है, जिस जिसके जो क्वेश्चन होंगे एंड में हम सारे डाउट्स ही लेते हैं। बट प्रिपेयर रहिए, ऐसा ना हो कि आपके रिश्तेदार आपको कॉल करें, कॉल करके पूछें बिहान जी पास आउट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ठीक है जी, माय नेम इज निपुन सियाल, ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम। ठीक है, बाकी इस जन को किसी को कोई और टेक्निकली या कुछ और क्वेश्चन है तो फिर भी पूछ सकते हैं।